हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ऐसे बहुत से अभिनेता हुए हैं जो भले ही आज इस दुनिया में ना हो, पर उनकी अदाकारी और इंडस्ट्री में उनके योगदान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही अंदाज था कैरेक्टर एक्टर ओम प्रकाश का। अभिनेता ओम प्रकाश का जन्म 19 दिसंबर 1919 को भारत के विभाजन से पहले लाहौर में हुआ था। उनका पूरा नाम ओम प्रकाश छिब्बर था। ओम प्रकाश शुरुआती दिनों में रामलीला में भाग लेते थे। उन्होंने स्टेज पर सबसे पहला एक्ट रामलीला में ही किया था, जिसमें उनका किरदार सीता का था। वर्ष 1937 में उन्होंने एक आरजे के रूप में ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया, जहां उन्हें मासिक 25 रुपये सैलरी मिलती थी। उनका ये रेडियो शो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। ओम ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1942 में की थी। इसके बाद 1950 से 1980 तक उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के रूप में कई यादगार किरदार निभाए, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। ओम प्रकाश साल 1964 में रिलीज हुई फिल्म जहान आरा में प्रोड्यूसर भी रहे। उन्होंने अपने करियर की पहली फिल्म के लिए मात्र 80 रुपये तनख्वाह के रूप में मिली थी। वो उस दौर के साइलेंट फिल्मों में थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही छोटा किरदार निभाया था। शुरुआती दिनों में चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश को उतनी लोकप्रियता नहीं मिल पाई थी, लेकिन वर्ष 1949 में उन्होंने एक फिल्म में लखपति नाम का विलन का किरदार निभाया था, जो सिनेमा प्रेमियों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ था। वे अमिताभ बच्चन के साथ भी शराबी, जंजीर, नमक हलाल, अलाप, परवाना, 2 और 2 5, चुपके चुपके जैसे फिल्मों में नजर आए थे। इसके अलावा ओम प्रकाश ने चमेली की शादी, साधु और संत, तेरे घर के सामने, आंधी, लोफर, पड़ोसन, हावड़ा ब्रिज, घर घर की कहानी, सास भी कभी बहू थी, मेरा नाम जोकर, पूरब और पश्चिम, नौकर और बीबी, अमर प्रेम जैसे कई हिट फिल्मों में काम किया। 21 फरवरी 1998 को 80 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से ओम प्रकाश ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में आखिरी सांस ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।